पीके चौक पर महंगी बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता सड़क पर उतर आए। फरीदाबाद में महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर हरियाणा सरकार को कोसा और कहा कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसान मजदूर और आम जनता को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं, और साथ ही मुफ्त बिजली यूनिट का मुद्दा भी उठाया। कार्यकर्ताओं ने महंगी बिजली को लेकर हरियाणा सरकार को ठग बताया। मेरा नाम तेजवंत सिंह पट्टी। आज ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, हमारे आज के लिए जैसा कि हम दिल्ली के संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 200 यूनिट बिजली से 4000 लीटर पानी फ्री किया हुआ है, ऐसे हमारी पार्टी का ये डिमांड है, हमारे कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि हरियाणा में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर दिल्ली में ये काम हो सकता है तो हरियाणा में भी हो सकता है। दिल्ली में अगर ऐसा काम हो सकता है हरियाणा में भी ऐसा काम हो सकता है, इसीलिए हमने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया है और आगे भी जब तक नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दिख रहे यहाँ पे, आपके यहाँ के अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं धर्मवीर भड़ाना जी। यहाँ का अध्यक्ष मैं हूँ, भटकल विधानसभा से। कौन से थे? भटकल से, जिला से। जिला अध्यक्ष नहीं दिख रहे, जिला अध्यक्ष दूसरी जगह, ये पूरे विधानसभाओं में होना है तो उसमें ये होगा। मेरा बैठा ऐसा है, धर्मवीर भड़ाना जी जो है वो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपना जो कमान संभाली हुई है संपूर्ण हरियाणा में 90 विधानसभाओं पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली में बिजली पानी की व्यवस्था मुफ्त है, 200 यूनिट बिजली और 24 घंटे पानी मुफ्त है, क्या उसी तरीके हरियाणा में हरियाणा सरकार नहीं कर सकती? तो अगर नहीं कर सकती तो ये आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाती है और आने वाले चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ आने के बाद हम 200 यूनिट बिजली हरियाणा में भी और पानी 24 घंटे फ्री रखेंगे। और इसी प्रकार सभी 90 विधानसभाओं के अंदर जिस प्रकार से आज प्रोटेस्ट हो रहा है, आज भटकल विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हमारे भाई तेजवंत सिंह जी बिट्टू, इनके अध्यक्षता में आज ये भटकल विधानसभा में जो प्रोटेस्ट है ये हो रहा है। इसी प्रकार NIT में